हेलो एवरीवन, दिस इज शनीला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एडिशनो। कैसे आप सभी लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे दक्षिणी शैली पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पाल शैली और अभ्रंश शैली को पढ़ा था, वो भी हम लोगों ने इसको तीन पार्ट्स में पढ़ा था, ठीक है। तो उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल स्टडी एडिशनो पे सेंड कर दिया गया है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और रिविज़न कर सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे दक्षिणी शैली। चीज़ों को हम लोग बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे, इसलिए क्योंकि आपको पता है अब एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चंस को घुमा के पूछता है, यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चंस ना पूछ करके घुमा के क्वेश्चंस पूछता है। इसलिए हर एक पॉइंट को अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जैसा कि आपको अभी पता था यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, जिसमें आपको 125 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें आपको 110 क्वेश्चन वालों के, यानी कि जिसके 110 क्वेश्चंस थे जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रही हूँ, उन्हीं का सिलेक्शन हो पाया था। तो अगर आप आने वाली वैकेंसीज में अपना मतलब एक सीट लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको हर एक पॉइंट को बहुत ही डिटेल से समझना है। इस चैनल पे आपको सारी ही क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है, यानी कि सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी ही क्लासेस मिल रही हैं। इसके अलावा पीडीएफ मिल रहा है, इसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की क्लासेस बहुत सारी पड़ी हुई चैनल पे, तो आप वन बाय वन यहाँ पर रिविज़न कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको करना क्या है, आपको सिर्फ मेहनत करनी, मेहनत क्या होगी वो आपकी होगी, और सारी ही चीज़ें मैं यहाँ पर प्रोवाइड आपको कराऊंगी। बस मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि आप अगर मेहनत नहीं करेंगे तो आपके लिए ये सारा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगर आप सोच रहे हैं आपका नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद आप प्रेपरेशन करेंगे, ठीक है, उसके बाद प्रेपरेशन स्टार्ट करेंगे, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिस टाइम आप ये सोच रहे हैं नोटिफिकेशन आएगा यूपी टीजीटी का या एलटी का, ठीक है, तब मैं पढ़ना शुरू करूँगी या करूँगा, तो आप गलती करें, क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो लगातार मेहनत कर रहे हैं और आपको उन्हीं को बीट करना, उन्हीं को कॉम्पिटिट करना है, ठीक है। तो उन्हीं को आपको, उन्हीं से एक सीट मतलब का मुकाबला, मतलब आपको मुकाबला उन्हीं स्टूडेंट से है जो लगातार मेहनत करें, जिनका एक एक नंबर से सिलेक्शन रुक गया है। आपको पता है आयोग की वजह से काफ़ी क्वेश्चन गलत यहाँ पर आंसर की जब दोबारा आई, ठीक है, जब री आंसर की अपलोड की गई, तो उसमें काफ़ी क्वेश्चन पर आपत्ति है, जिसकी वजह से काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पर मतलब काफ़ी स्टूडेंट क्या हो गए, मतलब वहाँ बाहर हो गए, ठीक है, भर्ती से बाहर हो गए। तो उन्हीं स्टूडेंट को आपको बीट करना है। तो इसका मतलब मेरा कहने का सेंस ये है कि आप लोग नोटिफिकेशन का अगर वेट कर रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन का बिल्कुल वेट ना करिए, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा आपको बताना इसलिए ज़रूरी था कि काफ़ी स्टूडेंट यही पूछते रहते हैं कि नोटिफिकेशन कब आएगा, ठीक है। तो नोटिफिकेशन भी आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। जब नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा तो आपको 1.5 महीने से ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से, ठीक है, यानी कि 1.5-2 महीने से ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। एलटी ग्रेड में तो आपको 1.5 महीना मिलेगा अगर नोटिफिकेशन आ जाता है तो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, अब दक्षिणी शैली स्टार्ट करते हैं। सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड बातें होंगी, तो चीज़ों को आप समझिए, अपने साथ कॉपी पेन लेके बैठिए, जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें मैं बता रही हूँ उसको नोट डाउन करिए, और जितनी ये जो जितनी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें ये आपको पीडीएफ के फॉर्म में सब आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ पर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, दक्षिणी शैली की अगर बात करें, आपको मैंने बताया कि हम लोग चीज़ों को बहुत डिटेल से समझेंगे, तो दक्षिणी शैली की अगर बात करें तो सबसे पहले हम किस में चलेंगे, दिल्ली सल्तनत में चलेंगे, ठीक है, दिल्ली सल्तनत काल में हम चलेंगे, ठीक है। क्यों चल रहे हैं अभी मैं बताती हूँ, क्यों चल रहे हैं भाई दिल्ली सल्तनत में, क्या बात है, क्या वहाँ पर क्या रखा हुआ है। देखिए दिल्ली सल्तनत काल की अगर बात करें, जो कब की बात करें, जब किसका शासन था, ठीक है, किसका शासन था, मोहम्मद बिन तुगलक का, किसका शासन था, मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था, ठीक है, समझिए, बिन तुगलक, एक मिनट क्या लिख रहा है, हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। तो मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों की वजह से काफ़ी लोग, ठीक है, काफ़ी लोग इससे नाखुश थे, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक से काफ़ी जो है लोग नाखुश थे, इसी वजह से अलग अलग क्षेत्रों से विद्रोह हो रहा था, ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों से लोग क्या कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे। क्यों? क्योंकि इनकी जो नीतियाँ थी उससे क्या है, मतलब अग्री नहीं करते थे, ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, जिसकी वजह से अलग अलग क्षेत्रों में, मतलब और भी रीजन्स थे, ठीक है, तो जिसकी वजह से अलग अलग क्षेत्रों से विद्रोह चल रहा था। तो उसी तरीके से दक्षिण भारत की अगर बात करें, अभी हम लोग मैप के माध्यम से भी चीज़ें समझेंगे, तो दक्षिण भारत की अगर बात करें, तो दक्षिण भारत के जो मुसलमान थे, ठीक है, मुसलमान जो अमीर थे, उनमें से भी क्या है, विद्रोह, यानी कि वहाँ से भी क्या है, विद्रोह हुआ, ठीक है, जिसमें क्या है, उसका नेता किसको बनाएगा, हसन गंगू को बनाएगा, किसको बनाया गया, हसन गंगू। चीज़ों को बहुत अच्छे से समझिएगा, एक एक चीज़ आप नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे ये कैसे कैसे क्या क्या स्टार्ट हुआ था, यानी कि दक्षिणी शैली कैसे क्या आ गई, अभी सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आपको आ जाएगी, क्योंकि आप बैकग्राउंड जब समझेंगे तभी आप वहाँ पर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे, क्योंकि हर क्वेश्चंस का आंसर क्या होता है,
जो आपका ऑप्शंस दिए होते हैं उसके हिसाब से होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन अब नहीं पूछ जाएंगे, थोड़ा सा घुमा के पूछा जाएगा, इसलिए घुमा के ही आपको सारी चीज़ें पढ़नी भी हैं। ओके, तो यहाँ पर हम बात करते हैं दक्षिण भारत में जो दक्षिण भारत के जो मुसलमान थे उन्होंने क्या है विद्रोह किया, जिसमें नेता किसको बनाया गया, हसन गंगू को बनाया गया। अब हसन गंगू की अगर हम बात करें तो अगर हसन गंगू की हम बात करें तो हसन जो गंगू था, ठीक है, तो इसका और नाम क्या था इसको कई, हाँ देखिए हसन गंगू के अभी बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। तो क्या मैं बता रही थी कि दक्षिण भारत की बात चल रही थी, दक्षिण भारत में क्या है हसन गंगू नाम का नेता था, ठीक है, और इन्हीं के और सब लोग थे तो उन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, और उसमें एक नेता किसको चुना गया, हसन गंगू को चुना गया। तो दक्षिण भारत में क्या हुआ, दो जो है यहाँ पर दक्षिण भारत की अगर बात करें तो दो तरीके से, यानी कि दो जो है कह सकते हैं साम्राज्य उभर के, यानी कि मेन साम्राज्य दो साम्राज्य उभर के आते हैं, कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो आपका हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य, ठीक है, एक तो आपका हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य, एक मिनट इसको पहले इरेज करते हैं। तो दो साम्राज्य निकल के आते हैं, एक कौन सा हो जाएगा विजयनगर, समझ में चीज़ें आ रही हैं, अगर चीज़ें समझ में आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, विजयनगर साम्राज्य हो जाएगा, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, बहमनी साम्राज्य, ठीक, बहमनी साम्राज्य, ठीक है। अब इसी बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, हसन गंगू ने की थी, किसने की थी, हसन गंगू ने की थी, ठीक है। अभी हम लोग आ रहे हैं टॉपिक पे, हालांकि टॉपिक ही चल रहा है। अगर हम बात करें विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो हरिहर बुक्का ने की थी, हरिहर और बुक्का, यानी कि ये दोनों भाई थे, ठीक है, हरिहर बुक्का जो है, हरिहर बुक्का ने क्या है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, और जबकि हसन गंगू ने क्या है बहमनी साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है। ये यहाँ पर किस शताब्दी की बात कर चल रही है, तो ये 14वीं शताब्दी की बात चल रही है, ठीक है, किस शताब्दी की बात चल रही है, 14वीं शताब्दी की बात चल रही है, ओके, क्योंकि आपको पता है मोहम्मद बिन तुगलक का जो वो शासन पीरियड था तो वो 14वीं शताब्दी ही था, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर बहमनी साम्राज्य आ गया, मैंने आपको बताया बहमनी साम्राज्य, हाँ ये बहमनी साम्राज्य था, ये मुस्लिम के पूरी तरीके से मुस्लिम समुदाय का था, ठीक है, और विजयनगर जो था वो पूरी तरीके से हिंदू साम्राज्य, हिंदू मतलब क्या बोलते हैं, हिंदू क्या बोलेंगे साम्राज्य था, ठीक है, समझ में आया, ये क्या था, ये पूरी तरीके से मुस्लिम को मतलब मानने वाला, और ये पूरी तरीके से क्या था, ये हिंदू मतलब साम्राज्य कहलाता था, ठीक है। तो दोनों ही आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो अगर हम बात करें हसन गंगू की, तो हसन गंगू को भी कई नामों से बुलाया जाता है, कौन कौन से नाम हो जाएंगे, एक मिनट, हाँ हसन गंगू के एक दो कई नामों से बुलाया जाता है, कौन कौन से नाम हो जाएंगे, एक तो इनको कहा जाता था जफर खां, इनका और नाम क्या था, जफर खां। तो क्वेश्चन आपको जफर खां के नाम से भी पूछा जाता है, और प्लस हसन गंगू के भी नाम से पूछा जाता है, और इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, कौन सी, अलाउद्दीन, ठीक है। एक एक चीज़ आपको समझनी, बिल्कुल आपको किसी भी चीज़ में आपको कोई भी मतलब ढील नहीं देनी, ठीक है। हसन बहमन, एक मिनट, ये बहमन शाह यहाँ मैं लिखती हूँ, ठीक है, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह जो है, या जफर खां या हसन गंगू, ठीक है। तो ये तीनों ही नाम क्या है, एक ही व्यक्ति के हैं, तीनों ही नाम आपके एक ही व्यक्ति के हैं, ठीक है। कौन व्यक्ति हैं ये आपके पता है, बहमनी साम्राज्य के संस्थापक के रूप में इनको जाना जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें बहमनी साम्राज्य की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 3 अगस्त, ठीक है, 3 अगस्त 1347 को आपको जो बहमन साम्राज्य था, बहमनी साम्राज्य था, इसकी स्थापना हुई थी 1347 में, किसके माध्यम से हुई थी, तो हसन गंगू, या फिर कह सकते हैं जफर खां, या फिर कह सकते हैं अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, क्लियर, ओके। जब इन्होंने क्या है मतलब इन्होंने जो हसन गंगू ने अपनी राजधानी किसे बनाया था, तो हसन गंगू ने अपनी राजधानी बनाया था गुलबर्गा को, किसको बनाया था, गुलबर्गा को, ठीक है। एक एक चीज़ समझना है, मैं सारी चीज़ें आपको पढ़ाऊंगी, बस आपको अपनी मेहनत करनी, सारी चीज़ें मैं आपको दे रही हूँ, बस आप कितनी मेहनत करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, आप कैसे एक सीट लेते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप सोते रहें तो फिर सोते ही रहेंगे, ठीक है, यही मौका है, और इसके बाद आप सोचे बार बार मौके मिलेंगे तो बार बार इतनी जल्दी आपको मौके नहीं मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको अच्छे से पता है एलटी ग्रेड की वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती हैं, मतलब भले अभी नहीं मिलेंगी, मतलब हो सकता है 15 दिन बाद ही मिल जाए, हो सकता है 1 महीने बाद मिल जाए, तो ये तो क्लियर नहीं कब मिलेंगी, लेकिन आपको जो है जल्दी देखने को मिल जाएंगी। तो इस वजह से भाई अपनी तरफ से आप पूरी तैयारी रखिए,
बाकी बात की बात है, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें गुलबर्गा, गुलबर्गा जो है मतलब क्या मैं बता रही थी कि हसन गंगू ने अपनी राजधानी किसको बनाया, गुलबर्गा को बनाया। अब गुलबर्गा मैंने इसलिए बताया क्योंकि बाद में ये राजधानी चेंज हुई थी, ठीक है। बाद में राजधानी क्या हुई थी, चेंज हुई थी, गुलबर्गा से फिर क्या हो गई थी, बीदर हो गई थी, ठीक है। गुलबर्गा से क्या हो गई थी, बीदर हो गई थी, जिसको किसने चेंज किया था, शिहाबुद्दीन, ठीक है। मैं नाम लिखती हूँ शिहाबुद्दीन, ठीक है। शिहाबुद्दीन ने गुलबर्गा से जो राजधानी बदल करके कहाँ कर ली थी, बीदर कर ली थी। और बीदर का नाम भी बदल के क्या करा था, मोहम्मदाबाद, ठीक है। बीदर को किस नाम से बुलाया जाता था, मोहम्मदाबाद। बिल्कुल बहुत चीज़ें समझ में आ रही होंगी मेरे हिसाब से। मोहम्मदाबाद, क्लियर। यानी कि मोहम्मदाबाद क्या था, बीदर को ही मोहम्मदाबाद कहते थे, ठीक है। कब बदली थी ये भी आपको याद रख सकते हैं, 1425 में। कब बदली थी, 1425 में यहाँ पर बदली थी, क्लियर। यानी कि समझिए फिर से मैं क्या बता रही हूँ, हसन गंगू ने अपनी राजधानी किसको बनाया था, गुलबर्गा को। बाद में शिहाबुद्दीन ने बीदर बना ली, और बीदर को किस नाम से बुलाया जाने लगा, यानी कि उसका नाम बदल दिया था, तो क्या हो गया था, मोहम्मदाबाद हो गया था। तो आपसे मोहम्मदाबाद पूछे किसका नाम था, तो आपको याद रखना है बीदर का ही नाम था, ठीक है, क्लियर। पहले इसको इरेज करते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, जितनी एक्स्ट्रा चीज़ें मैं लिख रही हूँ उसको आप नोट डाउन ज़रूर करिएगा, ठीक है। और जितनी चीज़ें आपको सामने दिख रही हैं वो तो आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल ही जाएंगी, लेकिन जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो आप ज़रूर नोट डाउन करिएगा, ओके। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए इसका अंतिम शासक कौन था, किसका, बहमनी साम्राज्य का। बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, ठीक है। पहला शासक तो आपको पता ही चल गया, अंतिम शासक की बात करें तो कौन था, खलीमुल्ला या कलीमुल्ला, दो नाम यहाँ पर आपको लिख के मैं देती हूँ, खलीमुल्ला ओके या कलीमुल्ला, दोनों ही नाम आपको लिखे मिल जाते हैं, ठीक है। एग्जाम में जैसे ऑप्शन हो उस तरीके से आप वहाँ पर टिक कर सकते हैं, खलीमुल्ला या कलीमुल्ला, यानी कि बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक खलीमुल्ला या कलीमुल्ला को कहा जाता है, ओके। अब यहाँ पर क्या होता, देखिए यहाँ पर आपको बताया मैंने, दिल्ली सल्तनत से क्या कहते हैं, दिल्ली सल्तनत का विद्रोह करके ये क्या है आपका, बहमनी साम्राज्य बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर दक्षिण भारत की अगर बात करें तो यहाँ पर मैंने आपको बताया दो मुख्य रूप से साम्राज्य थे, एक तो आपका बहमनी साम्राज्य मैंने बताया, और दूसरा आपका बताया विजयनगर, ठीक है, दो बताया। और ये जो बहमनी और विजयनगर थे ये आपस में क्या है, दोनों मतलब तरीके से क्या है, इनका हमेशा जो है मतलब लड़ाई झगड़ा इन लोग कभी चला करता था, क्यों, क्योंकि आपको पता है ये बहमनी साम्राज्य था ये मुस्लिम को मतलब मुस्लिम वाला था, ठीक है, मुस्लिम धर्म को मानने वाला था, और जो विजयनगर था वो क्या है, जो हिंदू धर्म के पूरी तरीके से था। तो जाहिर सी बात है कुछ रीज़न, हाँ कुछ ये भी था क्षेत्र विस्तार की वजह से, यानी कि आपस में कुछ ना कुछ इनका भी हुआ करता था, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखनी है, तो इसी तरीके से यहाँ पर कुछ ना कुछ चला करता था, आपस में मतलब इन लोग की लड़ाई झगड़ा हुआ करती थी। फिर क्या होता, जो बहमनी साम्राज्य था, जो बहमनी साम्राज्य था ये भी क्या है, 5 भागों में विभक्त हुआ, ओके। अब यहाँ पर बात आई, बहमनी साम्राज्य ही जो है 5 भागों में विभक्त हुआ था, कौन कौन से 5 भाग थे, सुनिए यहाँ पर कायदे से सुनिए, कौन कौन से 5 भाग थे। तो सबसे पहले एक तो हो जाएगा बीजापुर हो जाएगा, यहाँ पर आपको बीजापुर देखने को मिल रहा है। दूसरा कौन सा हो जाएगा, अहमदनगर, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा कौन सा हो जाएगा, अहमदनगर, ये यहाँ पर मैं मैप के माध्यम से आपको चीज़ें दिखाती हूँ तो आपको चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। ये हो जाएगा अहमदनगर, ये आपका हो जाएगा बीजापुर हो जाएगा। दूसरा कौन सा हो जाएगा, गोलकुंडा, ठीक है। दूसरा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ये गोलकुंडा हो गया। तीसरा कौन सा हो जाएगा, बरार, ये यहाँ पर आपका आएगा, ठीक है। चौथा कौन सा हो जाएगा, सॉरी पाँचवा क्या कहते हैं, पाँचवा कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बीदर। अब मैं यहाँ पर लिखती हूँ तो आपको समझ में आए, यहाँ पर तो थोड़ा गिचपिच हो गया, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ, समझिए। देखिए ये जो बहमनी साम्राज्य था ये क्या है, 5 भागों में विभक्त हो गया था, ठीक है। जो बहमनी साम्राज्य था ये क्या है, 5 भागों में विभक्त हो गया था। नंबर एक कौन सा हो जाएगा, बीजापुर, कौन सा हो जाएगा, बीजापुर। अभी आपको मैं बताती हूँ कि कला के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको, यानी कि आर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कौन सी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। नंबर दो कौन सा हो जाएगा, अहमदनगर, ठीक है, अहमदनगर, ठीक है। नंबर तीन कौन सा हो जाएगा, गोलकुंडा। नंबर चार कौन सा हो जाएगा, बरार, ठीक है। नंबर चार कौन सा हो जाएगा, बरार, ओके। नंबर पाँच कौन सा हो जाएगा, बीदर। अब देखिए सबसे पहले 5 भागों में विभक्त हो गया, यानी कि बहमनी साम्राज्य जो है इसमें क्या है, 5 भागों में विभक्त हो गया था। और सबसे पहले जो अलग होने वाला जो क्षेत्र था, ठीक है, वो कौन सा था, ये बरार था, ठीक है। सबसे पहले अलग होने वाला, मैं शायद बीदर बोल गई थी ऊपर, याद रखिएगा, सबसे पहले जो है अलग होने वाला जो क्षेत्र था वो क्या था,
बरार ही था, बीदर नहीं था। बीदर तो आपकी राजधानी थी, ठीक है। सबसे पहले अलग होने वाला जो क्षेत्र था वो क्या था, बहमनी साम्राज्य से सबसे पहले अलग होने वाला क्षेत्र जो था वो क्या था, वो आपका बरार ही था। याद रखिएगा, बीदर नहीं याद रखना है, ये आपका बरार हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए, आर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या क्या समझना है, एक तो बीजापुर समझना है, अहमदनगर समझना है और गोलकुंडा समझना है। क्यों? क्योंकि बाद में ये बरार और बीदर क्या है, इसी में ज्वाइंट हो गए थे। अब उसमें देखेंगे किस में कौन से हुए थे, वो आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इस पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे, बीजापुर देखेंगे मेन, क्योंकि बीजापुर से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि बीजापुर जो टॉपिक है वो काफ़ी लंबा टॉपिक है। तो पहले हम लोग बीजापुर देखेंगे और सेकेंड पार्ट में हम लोग देखेंगे अहमदनगर और गोलकुंडा देखेंगे, ठीक है। तो पाँच पार्ट आपके हो गए, यानी कि बहमनी साम्राज्य कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ, तो बीजापुर एक हो जाएगा, एक अहमदनगर हो जाएगा, एक गोलकुंडा हो जाएगा, एक बरार हो जाएगा और एक आपका हो जाएगा बीदर हो जाएगा, जिसमें हम लोग को सिर्फ तीन पार्ट्स ही पढ़ने हैं आर्ट के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। यानी कि क्वेश्चंस आपके इनमें से ही पूछे जाएंगे, बरार और बीदर से आपके इसमें क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अगर आप हिस्ट्री वगैरह से कर रहे हैं, यानी हिस्ट्री से कर रहे हैं, तो उसमें आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। समझ में आया? ओके, स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे, हाँ ये मैप में थोड़ा सा देख लेते हैं। मैप में आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने बीजापुर आपको बताया, ठीक है। ये आपका अहमदनगर है, ये आपका हो जाएगा बीदर हो जाएगा, ये यहाँ पर आपका बरार हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा, कहाँ गया, गोलकुंडा हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा एक, हाँ एक, हाँ हो गए, पाँचों हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये जो विजयनगर साम्राज्य है, ठीक है, यहाँ पर ऊपर जो ऊपर ये वाला कौन सा हो जाएगा, ये आपका बहमनी साम्राज्य हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो दक्षिण भारत की अगर बात करें, ठीक है, यहाँ तक दक्षिण भारत की अगर बात करें, तो वो मेन रूप से, मुख्य रूप से दो साम्राज्य उभर के आते हैं। एक तो आपका हो गया बहमनी साम्राज्य और दूसरा हो गया आपका विजयनगर साम्राज्य, ठीक है, दो आपके हैं, ठीक है। दोनों का मैं बता चुकी हूँ कि कौन किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें याद रखनी। अगर हम बरार की बात करें, देखिए, और हाँ, ये जो पांचों थे इनका भी आपस में क्या है, लड़ाई झगड़ा चला करता था, ठीक है। यानी कि ये भी पांचों, ये नहीं, ये तो ये अलग हो गया, ये भी जो पांचों थे, तो इनका भी क्या है, लड़ाई झगड़ा आपस में चला करता था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि बरार जो था, बरार को क्या है, बरार जो ये देखिए करीब वाला है, बरार को जो है अहमदनगर में अपने में मिला लिया था, ठीक है। बरार को अहमदनगर ने अपने में मिला लिया था, सुनिए फिर से समझिए, बरार जो क्षेत्र था उसको अहमदनगर ने मिला लिया था, अहमदनगर ने अपने में मिला लिया था। कब मिला लिया था? अहमदनगर ने अपने में इसको मिला लिया था 1574 में, कब मिला लिया था, 1574 में। इसके अलावा जो बीदर था, देखिए जो करीब वाला होगा, करीबी वाले को तो मिलाया जाएगा, यानी कि बरार देखिए पास में है और अहमदनगर पास में है, तो इसका ज्वाइंट हो गया, इसको अहमदनगर ने जो क्या कहते हैं, बरार को जो है मतलब लड़ाई झगड़ा जो भी होता रहा उसके बाद में क्या है, उसको जीत करके अपने में मिला लिया। इसके बाद क्या है, जो बीदर था, जो यहाँ पर आपका बीदर था, तो बीदर किसके करीब में है, जाहिर सी बात बीजापुर के करीब में है, तो बीदर को किसने मिला लिया, सुनिए, बीदर को किसने अपने में मिला लिया, तो बीजापुर ने अपने में मिला लिया, क्लियर। बीजापुर ने अपने में मिला लिया, कब मिला है, 1619 में, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। 1574 में बरार को अहमदनगर ने मिलाया, ठीक है, फिर बीदर को बीजापुर ने मिलाया, कब मिलाया, 1619 में मिलाया। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, क्वेश्चन पूछ लिया था इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर हम बात करें, आगे आपको मैम ने मैप दिखा लिया, ये आपका विजयनगर साम्राज्य हो गया, ये मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया, ठीक है, ये आपको मैंने यहाँ पर दिखा दिया। इसके अलावा आगे अगर हम बात करें, आगे हम बात करें, ये एक और मैप दिया है, तो आप इसको भी देख सकते हैं, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। अब हम सबसे पहले बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, बीजापुर की बात करेंगे, ठीक है। तो बीजापुर की मैंने स्थापना सबसे पहले सुनी है, बीजापुर, क्योंकि इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, बीजापुर पढ़ेंगे, और फिर दूसरी क्लास में हम लोग अहमदनगर और गोलकुंडा पढ़ेंगे, ठीक है। अहमदनगर गोलकुंडा आपका एक क्लास में हो जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है, ठीक है। तो मैंने बताया बीजापुर की स्थापना किसने की थी, अभी नहीं बताया बीजापुर की, अब मैं बता रही हूँ बीजापुर की स्थापना किसने की थी, क्योंकि आपको मैंने बताया बहमनी साम्राज्य पाँच भागों में विभक्त हो गया, जिसमें आपको मेन आपको बीजापुर पढ़ना है। बीजापुर की स्थापना किसने की थी, याद रखिएगा, यूसुफ आदिल शाह ने, किसने की थी, यूसुफ आदिल शाह ने बीजापुर की स्थापना की थी। सबसे पहले क्वेश्चन आपका यही हो गया, यूसुफ आदिल शाह ने बीजापुर की स्थापना की थी, कब की थी, 1489 में, ठीक है। तो 1489 में यूसुफ आदिल शाह ने बीजापुर की स्थापना की थी, याद रखिएगा। अभी इतने इसमें आदिल शाह है, अभी आप काफ़ी कंफ्यूज होने वाले हैं, तो अभी मैं आपको सारी, आपको कंफ्यूज होने में नहीं दूंगी,
सारी आपको टेबल फॉर्म में चीज़ें बताऊंगी, तो बिल्कुल आप बिल्कुल याद रखेंगे, और क्या चीज़ याद रखनी है वो भी मैं बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इतना याद रखना है बीजापुर की स्थापना किसने की थी, ये बीजापुर डायनेस्टी की स्थापना किसने की थी, ठीक है, इस्टेब्लिश किसने किया था, तो यूसुफ आदिल शाह ने किया था, क्लियर। तो बिल्कुल से आपको याद रखना है यूसुफ आदिल शाह ने किया था, कब किया था, 1479 यानी कि 1489 में किया था, ठीक है, 1489 उन्यासी नहीं नवासी बोलेंगे इसको, 1489, ठीक है, 1489। ओके, अब देखिए यहाँ पर अब मैं बताती हूँ, सारे मैं आपको दिखाऊंगी, सारे ही आपको यहाँ के जितने भी बीजापुर के जो शासक रहे हैं, जो सुल्तान रहे, वो मैं आपको लाइन वाइज बताऊंगी। अब देखिए कितनी मैंने अच्छे से टेबल फॉर्म में लिखा है, जिसमें भी आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है बीजापुर की स्थापना किसने की थी, तो यूसुफ आदिल शाह ने की थी, ठीक है। यूसुफ आदिल शाह ने जो वंश चलाया था वो कौन सा था, आदिल शाही वंश था, कौन सा वंश था, आदिल शाही वंश था। कब स्थापना हुई थी, तो मैंने आपको बताया 1489 यहाँ पर हो जाएगा, क्लियर। दूसरा मैंने बताया अहमदनगर, ठीक है, एक तो बीजापुर हो गया, दूसरा हो गया अहमदनगर। अहमदनगर की स्थापना किसने की थी, मलिक अहमद निज़ाम शाह ने की थी, किसने की थी, मलिक अहमद निज़ाम शाह ने की थी। इनका कौन सा वंश चलाया इन्होंने, निज़ाम शाही वंश चलाया, कौन सा वंश चलाया, निज़ाम शाही वंश चलाया, क्लियर। कब की थी, 1490 में की थी, कब की थी, 1490 में की थी। इसके अलावा गोलकुंडा याद रखिएगा, गोलकुंडा की स्थापना किसने की, या गोलकुंडा के संस्थापक कौन थे, कुली कुतुब शाह, ठीक है, कुली कुतुब शाह गोलकुंडा के संस्थापक थे, ओके। अब इनका वंश कौन था, कुतुब शाही वंश था, कौन सा वंश इन्होंने मतलब आगे किया, तो कुतुब शाही वंश था। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1512 में हुई थी। तो मेन आपको तीन ये बहुत अच्छे से याद करने हैं, ठीक है, बिल्कुल आपको ये रट लेना है, ये टेबल जो टेबल फॉर्म है, ठीक है, ये टेबल जो है वो पूरी तरीके से आपको रट लेना है। इसके अलावा अगर बात करें बरार की, तो बरार की स्थापना किसने की थी, तो फतेहउल्ला इमाद शाह ने की थी, किसने की थी, फतेहउल्ला इमाद शाह ने की थी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना, फतेहउल्ला इमाद शाह ने की थी, और इनका कौन सा वंश था, तो इमाद शाही वंश था, कौन सा वंश चलाया, इमाद शाही वंश चलाया, क्लियर। आगे बात करें बीदर की बात करें, तो बीदर का कौन सा हो जाएगा, अमीर अली बरीद, ठीक है, बीदर के संस्थापक कौन हो जाएंगे, अमीर अली बरीद हो जाएंगे, और इसके जो है वंश कौन सा हो जाएगा, बरीद शाही वंश हो जाएगा, ठीक है, ये आपको याद रखें, बरीद शाही वंश हो जाएगा, क्लियर है। तो ये सारी चीज़ आपको याद करनी है, ठीक है, यही चीज़ें आपको बिल्कुल रटनी है, ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पर याद कैसे करेंगे, थोड़ा सा ट्रिक भी बना सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसको ट्रिक बना के याद कर लीजिए, थोड़ा सा इस तरीके से बार बार रिकॉल करेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से बीजापुर, यूसुफ आदिल शाह, ठीक है, तो इस तरीके से आपको अच्छे से याद रखना है, क्लियर, ओके। मतलब ट्रिक बना लीजिएगा तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी, और अगर तब भी ना लर्न हो तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, तो मैं ट्रिक बताऊंगी इसकी, बाद में अलग से वीडियो वो बना दूंगी ट्रिक की, जिससे आपको याद हो जाएगा, ओके। आप देखिए यहाँ पर मैंने बता दिया बरात को अहमदनगर ने अपने में मिला लिया, मैंने बता दी बीदर को बीजापुर में अपने मिला लिया, भी मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। आगे बात करते हैं, आप देखिए सबसे पहले हम लोग बीजापुर की बात कर रहे थे, तो बीजापुर के सबसे पहले शासक कौन से हो जाएंगे, यूसुफ आदिल शाह हो जाएंगे, जो मैंने अभी आपको बताया, यूसुफ आदिल शाह बीजापुर के पहले शासक हो जाएंगे। इसके बाद कौन आएंगे, इस्माइल आदिल शाह, कौन आएंगे, इस्माइल आदिल शाह आएंगे, ठीक है। उसके बाद अब देखिए इसको आपको लर्न नहीं करना है, मैं बता दूं क्या चीज़ आपको लर्न करनी, इसको आपको ये आपको सीक्वेंस या इतने आपको लर्न नहीं करने, सिर्फ इसलिए मैंने ये बता दिया क्योंकि इनसे रिलेटेड भी पॉइंट आपको दिखेंगे, और जब पॉइंट दिखेंगे तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि एक जैसे अब मैं आदिल शाह, आदिल शाह, आदिल शाह प्रथम द्वितीय, ठीक है, यहाँ पर इब्राहिम आदिल शाह प्रथम भी दिए हुए, फिर यहाँ पर इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय भी दिए हुए, तो अगर आपको सीक्वेंस पता होगा कौन पहले आया कौन बाद में आया, तो आप याद करने में मतलब आपको आसानी होगी, इस वजह से मैंने लिखा है इनको, लेकिन आपको याद नहीं करना है। मैं आपको बता दूं कि आप एक्स्ट्रा मेहनत मत करिए, इनको आपको याद नहीं करना, बस समझना है। तो सबसे पहले कौन से हो जाएंगे, यूसुफ आदिल शाह हो जाएंगे, क्लियर, फिर हो जाएंगे इस्माइल आदिल शाह, ठीक है, पहले आते हैं यूसुफ आदिल शाह, फिर आते हैं इस्माइल आदिल शाह, फिर उसके बाद कौन से हो जाएंगे, मल्लू आदिल शाह, ठीक है, फिर हो जाएंगे इब्राहिम आदिल शाह प्रथम, इब्राहिम आदिल शाह प्रथम हो जाएंगे, फिर आ जाएंगे अली आदिल शाह प्रथम, फिर आएंगे इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, ठीक है, फिर आएंगे मोहम्मद आदिल शाह, ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाएंगे अली आदिल शाह द्वितीय, ठीक है, ये आपके यहाँ पर ये आपके एक जैसे हो गए, ठीक है। यहाँ पर कलर चेंज करती हूँ तो आपको समझ में कुछ आए, क्योंकि जब एक जैसा आता तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। ये इब्राहिम शाह, ये अली आदिल शाह प्रथम हो गए, फिर अली आदिल शाह द्वितीय भी हो गए, ठीक है,
फिर यहाँ पर इब्राहिम आदिल शाह प्रथम हो गए, यहाँ पर इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय भी हो गए, तो इस तरीके से। और लास्ट कौन हो जाएंगे? सिकंदर आदिल शाह। ठीक है, लास्ट कौन से हो जाएंगे? सिकंदर आदिल शाह। और जिनको किसने हराया था? औरंगजेब ने पराजित करके क्या कर लिया था? गिरफ्तार कर लिया था। किसको? सिकंदर आदिल शाह को औरंगजेब ने परास्त करके, ठीक है, हरा करके, पराजित कर करके क्या है उनको क्या कर लिया था, मतलब गिरफ्तार कर लिया था, ठीक है, अपनी गिरफ्त में ले लिया था। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? बीजापुर के प्रथम संस्थापक मतलब बीजापुर के प्रथम शासक कौन से हो जाएंगे? यूसुफ आदिल शाह। और अंतिम शासक कौन से हो जाएंगे? सिकंदर आदिल शाह हो जाएंगे। तो ये आपको पहला और आखिर याद रखना है, और बीच की इसलिए मैंने लिखे जिससे कि आपको मैं पॉइंट जब बताऊंगी तो आपको समझ में आ सके, ठीक है, क्योंकि आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि सब में आदिल शाह आदिल शाह आदिल शाह, जिस वजह से आपको कंफ्यूजन क्रिएट होना ही होना है। तो मैं आपको बताती रहूंगी, ठीक है, मैं आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होने दूंगी अपनी तरफ से, ठीक है, ओके। यहाँ पर देखिए, फिर से देखिए, यहाँ पर चीज़ों को समझिए, फिर अगर हम बात करें, एक मिनट रुकिए। सिकंदर आदिल शाह को औरंगजेब ने पराजित करके गिरफ्तार कर लिया, मैंने आपको बता ही दिया। यूसुफ आदिल शाह को कला में रुचि थी, जो यूसुफ आदिल शाह थे उनको काफ़ी कला में क्या है, रुचि थी, ठीक है, यूसुफ आदिल शाह को काफ़ी कला में रुचि थी। और कौन से हो जाएंगे? यूसुफ आदिल शाह, यहाँ पर देखिए, एक मिनट, कहाँ पर बता रही थी, यहाँ पर, यूसुफ आदिल शाह को कला में रुचि थी, ठीक है। इसका पुत्र तथा उत्तराधिकारी कौन था? इस्माइल आदिल शाह खुद एक चित्रकार था। तो कहने का सेंस मेरा ये है, जो यूसुफ आदिल शाह था ये भी, इसको भी कला में काफ़ी रुचि थी, और इसका जो पुत्र था इस्माइल आदिल शाह, ये खुद एक क्या था? आर्टिस्ट था, यानी कलाकार था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये दोनों आपको अच्छे से याद रखने हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यूसुफ आदिल शाह का पुत्र इस्माइल आदिल शाह को कला में रुचि थी, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन हो सकता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग पूछ ले, इसमें बताइए किसको कला में रुचि थी, तो आपको इस्माइल आदिल शाह के, आदिल शाह को, खुद एक आर्टिस्ट था, और इसका जो फादर यानी यूसुफ आदिल शाह, उसको काफ़ी जो है कला में रुचि थी। जाहिर सी बात, इसको रुचि होगी तो उसने अपने बेटे को उसमें मतलब करने दिया होगा, ठीक है, यानी कि उसमें उसने मतलब जाने दिया होगा उसको, उसमें मतलब थोड़े से क्या कह सकते हैं, मतलब चांस दिए होंगे कि वो मतलब आर्ट सीख सके, कला को मतलब आगे प्रोत्साहित कर सके, ठीक है। तो माँ बाप के गुण बच्चों में आ जाते हैं ना, तो इस तरीके से आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा, ओके। आगे हम बात करें, तो ये हो गया। आगे हम बात करें अली आदिल शाह का, अली आदिल शाह जो था कि अली आदिल शाह जो प्रथम था, देखिए अब यहाँ पर अली आदिल शाह किसकी बात हो रही, यहाँ पर पाँचवें, यहाँ पर बार बार मैं अब पीछे करूँगी जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आए। अली आदिल शाह जो था प्रथम, उसकी जो बेगम थी कौन? चांद सुल्ताना। अब चांद सुल्ताना को चांद बीबी के भी नाम से जानते हैं, ठीक है, चांद सुल्ताना को चांद बीबी के भी नाम से जानते हैं, जो क्या है, एक विदुषी महिला थी, यानी कि बहुत ज़्यादा मतलब काबिल महिला थी, इसको कई भाषाओं का ज्ञान था। किसको? चांद बीबी को या चांद सुल्ताना को, ठीक है, चांद बीबी भी लिखा मिलता है, चांद सुल्ताना भी लिखा मिलता है, तो दोनों में से कोई भी नाम आ जाए तो आपको बिल्कुल याद रखना दोनों एक ही हैं, ठीक है। जो क्या थी, एक बहुत ही ज़्यादा विदुषी महिला थी, ठीक है, उसको कई भाषाओं का ज्ञान था, इसको चित्रकारी करने का भी शौक़ था। तो कौन कौन सी भाषा इसको मतलब वो जानकार थी, कौन कौन सी भाषा का ज्ञान रखती थी, तो ये हो जाए अरबी भाषा का भी ज्ञान रखती थी, फारसी भाषा का भी ज्ञान रखती थी, तुर्की भाषा का भी, मराठी, कन्नड़, तो इन सब भाषाओं का ज्ञान रखती थी। कौन? चांद बीबी, जो किसकी पत्नी थी? अली आदिल शाह प्रथम की बेगम थी, अली आदिल शाह की पत्नी थी, क्लियर, ओके। और इसने काफ़ी साथ दिया था, काफ़ी शासन को बढ़ाने में काफ़ी इसने साथ भी दिया था, किसने? बेगम चांद सुल्ताना ने, ठीक है, ओके। तो इसके अलावा आपको याद रखना, इसको किसका शौक़ था, क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको किसका शौक़ था, तो सितार और चित्रकारी करने में ये शौकीन थी, तो इसको सितार का और प्लस चित्रकारी का दोनों में इसको शौक़ रखने वाली थी, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। इसके अलावा किस चीज़ की चित्रकारी करती थी? तो फूलों के चित्र बनाने में शौकीन थी, ठीक है, फूलों के चित्र बनाने में ये क्या थी? काफ़ी शौकीन थी और फूलों के चित्र बनाया करती थी, क्लियर है, ओके, समझ में आया चांद बीबी के बारे में, चांद सुल्ताना, चांद बीबी के बारे में समझ में आ गया, ओके। ओहो, आगे चलते हैं, चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आपको आएंगी, ये मेरा वादा है, अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया, ओके। फिर हम बात करते हैं अली आदिल शाह प्रथम, अभी मैंने अली आदिल शाह की बेगम बताया, चांद सुल्ताना के बारे में बताया, ठीक है, अब उन्हीं की बात चल रही है। अली आदिल शाह प्रथम के काल में एक क्या होता था, नुजूमुल उलूम नाम का क्या है, एक ग्रंथ लिखा जाता था, ठीक है, ग्रंथ लिखा गया जाता था, मतलब लिखा गया।
तो अली आदिल शाह प्रथम के काल में नुजूमुल उलूम जो खगोल विद्या से संबंधित था, ठीक है, लिखा व चित्रित किया गया। ठीक है, पूछा क्वेश्चन कैसे जाएगा, नुजूमुल उलूम जो था वो किसके शासनकाल में लिखा गया व चित्रित किया गया, कौन से हो जाएंगे, अली आदिल शाह हो जाएंगे, यूसुफ आदिल शाह हो जाएंगे, इब्राहिम आदिल शाह हो जाएंगे, तो बिल्कुल आपको किसको बताना है, अली आदिल शाह प्रथम के काल में नुजूमुल उलूम जो है जो खगोल विद्या से संबंधित है वो लिखा व चित्रित किया गया। ठीक है, कब किया गया, तो 1570 में किया गया, कब किया गया, 1570 में किया गया, क्लियर। और ये जो क्या है, चेस्टर बेटी संग्रहालय डब्लिन में संग्रहित है, ठीक है, कहाँ संग्रहित है, चेस्टर बेटी संग्रहालय में संग्रहित है, कौन सा, नुजूमुल उलूम जो नाम का ग्रंथ है, जो पुस्तक है, जो बुक है, वो चेस्टर बेटी संग्रहालय में संग्रहित है, अच्छे से आपको याद रखना, क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। ओके, अब हम बात करें इस जो ग्रंथ में क्या क्या चीज़ें हैं, तो इसमें 140 नक्शे हैं, कितने, 140 नक्शे हैं, ठीक है, मैप जिसे बोलते हैं, 140 क्या है, नक्शे हैं, और चित्र कितने मिले, 876 इसमें आपको चित्र मिल जाते हैं, किसमें, नुजूमुल उलूम में, ठीक है, जो कहाँ संग्रहित है, चेस्टर बेटी संग्रहालय में संग्रहित है, क्लियर। ठीक है, सारी चीज़ें आपको समझनी है, बिल्कुल रट डालनी है, एक एक पॉइंट आपको रटना है, कोई भी पॉइंट आपको छोड़ना नहीं है, और एक आधे क्वेश्चन अगर एक आधे पॉइंट्स रह भी जाएंगे तो हम लोग जानते हैं ऑब्जेक्टिव के जरिए सारी चीज़ें कर डालते हैं। ठीक है, बस आपको बस क्या करना है, चैनल के साथ बने रहना है और वीडियोस को शेयर करना है। ठीक है, बस आपको इतना ही करना है, बस आप अगर लगे रहें तो सही बात है, मैं कह सकती तो आप एक सीट लेने में आप बिल्कुल चूकेंगे नहीं, अगर वाकई में आपने सारी चीज़ें देख ली और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लिए, आपने चीज़ों को रटा, आपने रटा कहने का मतलब याद किया, लर्न किया, समझा, रटने का मतलब ये नहीं कि तोते की तरह शुरू हो गए, ठीक है, यानी कि समझ के लर्न करना, ठीक है, वो चीज़ बता रही हूँ मैं। ओके, आगे हम बात करें सर्वाधिक उन्नति किसके काल में, सर्वाधिक जो उन्नति यानी कि अगर हम कला की बात करें तो सर्वाधिक कला में उन्नति किसके, किस शासक, किस सुल्तान के या किस शासक के काल में हुई, तो आपको याद रखना इब्राहिम आदिल शाह जो द्वितीय था, ठीक है, इब्राहिम आदिल शाह जो द्वितीय था उसके काल में सबसे ज़्यादा कला की क्या है, उन्नति होती है। ठीक है, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय किसका बेटा था, तो अली आदिल शाह का बेटा था। ठीक है, अभी पीछे देखेंगे आपको समझ में आ जाए, अली आदिल शाह, ठीक है, अली आदिल शाह प्रथम का बेटा कौन था, इब्राहिम आदिल शाह था। ठीक है, तो उसी के काल में सबसे ज़्यादा क्या होती है, इसकी उन्नति होती है, क्लियर। तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है, ठीक है, यानी कि बीजापुर शैली की, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ जिससे कि आपको याद रहे, बीजापुर शैली की सबसे ज़्यादा उन्नति किसके काल में होती है, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के काल में होती है। ठीक है, मैंने आपको बताया अली आदिल शाह, यहाँ पर देखिए पीछे थोड़ा सा मोड़ा, जब भी चीज़ें करिए तो पीछे रिकॉल करके करिए तो आपको चीज़ें याद आएंगी, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय जो था इसके काल में, अब मैंने बताया अली आदिल शाह प्रथम जो था वो इसका फादर था। ठीक है, तो इब्राहिम आदिल शाह के टाइम में यानी कि जो छठा था, तो बीजापुर शैली की सबसे ज़्यादा जो है कह सकते हैं विकास जो है इसी के काल में होता है। ठीक है, तो बीजापुर शैली का विकास सबसे ज़्यादा इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के काल में होता है, क्लियर। इस तरीके से आपको चीज़ें समझ में आनी है। ओके, आगे बात करें इनके दरबार में ईरानी चित्रकला का भी प्रभाव था, यानी कि ये ईरान से कलाकारों को बुलाता था। ठीक है, इनके दरबार में ईरानी चित्रकला का भी प्रभाव था, किसके काल में, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के काल में। और इसी के समय में रागमाला के अनेक चित्र गुजरात राजपूताना के प्रभाव से बने। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका आएगा किसके में रागमाला के जो चित्र थे बने, जो किससे, किसके मतलब कैसे मतलब प्रभाव रखते थे, तो गुजरात राजपूताना जो था उसका प्रभाव रखते थे। तो ये यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखनी है, एक मिनट, आपको ये चीज़ याद रखनी है, रागमाला के जो अनेक चित्र हैं किसके शासनकाल में बने, तो किसके शासनकाल में बने, इब्राहिम आदिल शाह के शासनकाल में बने। ठीक है, क्लियर, बिल्कुल इसी तरीके से आपको याद रखना है। और इसी के समय में ईरानी चित्रकला का भी प्रभाव इसके यानी कि इसके टाइम में जितने भी मतलब चित्र उत्र बनाए जाते थे, जितना भी कला वाली चीज़ें बनाई जाती थी, तो उसमें किसका प्रभाव पड़ने लगा था, तो ईरानी चित्रकला का भी प्रभाव पढ़ने लगा था। ठीक है, पढ़ने लगा था, क्लियर। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्या चीज़ें हैं। अब देखिए, इसी के समय में नवरस नामक पुस्तक भी लिखी, किसने लिखी थी, यानी कि लिखी गई, कौन से हो जाए, नवरस नामक पुस्तक जो थी, नवरस किसने लिखी थी, कवि जौहरी ने लिखी थी। ठीक है, किसके समय में, तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के समय में, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के समय में। क्या क्या चीज़ें इब्राहिम आदिल शाह के टाइम में याद रखनी है, फिर से सुनिए, समझ में फिर से आ जाए, मतलब अगर भूल गए तो फिर से सुनिए। एक तो ईरानी प्रभाव था,
ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, रागम वाला हो जाएगा। तीसरा आपका क्या है, मैंने बताया नुजूमुल उलूम वाला भी हो जाएगा। एक मिनट, नुजूमुल उलूम तो आपका इसके आदिल शाह के टाइम में था, यानी कि इसके फादर के टाइम में था, ठीक है। ठीक है, समझ में आए, ये नुजूमुल उलूम तो इनके फादर के टाइम में था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाए ईरानी प्रभाव हो जाएगा, रागमाला हो जाएगा। इसके अलावा आपका जो नवरस जो मतलब पुस्तक थी उसको भी लिखा गया, किसने लिखी थी, तो कवि जौहरी ने लिखी थी, ठीक है। अब देखते हैं इसके प्रमुख चित्र, ठीक है, इसके हम देखेंगे प्रमुख चित्र। एक तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चित्र कौन सा होगा, सघन वन में खड़ी स्त्री। जो सघन वन में खड़ी जो स्त्री है ये किसका हो जाएगा, बीजापुर शैली का चित्र हो जाएगा। किसका हो जाएगा, बीजापुर शैली का चित्र हो जाएगा। इसके अलावा कौन सा हो जाएगा, हाथियों की लड़ाई, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, पूछा जाता है क्वेश्चन तो इसलिए आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, हाथियों की लड़ाई, ओके। फिर हो जाएगा चौगान खेलते हुए, रागनी श्री राग। अब देखिए इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज ना होइएगा, अभी मैं बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहले इधर सुन लीजिए, देखिए सबसे पहले याद रखना, सघन वन में खड़ी स्त्री ये कहाँ संग्रहित है, भारत इतिहास संशोधन में संग्रहित है, ठीक है। भारत इतिहास संशोधन पूना में ये संग्रहित है, मैं लिखती हूँ याद लिख लीजिएगा, ठीक है। भारत इतिहास, ठीक है, संशोधन पूना, ठीक है, पूना में क्या संग्रहित है। इसके अलावा जो आपकी हाथियों की लड़ाई ये भी आपका यही मिल जाएगा, और इसके अलावा जो चौगान खेलते हैं ये भी आपका यही मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको तीनों ही अच्छे से याद रखने हैं। तो ये कहाँ संग्रहित है, ये तीनों चित्र कहाँ संग्रहित है, तो आपको याद रखना है, तो ये हो जाएंगे भारत इतिहास संशोधन में संग्रहित है, ओके, क्लियर हुआ, ठीक है। फिर है रागनी श्री, आप देखिए ये रागनी जो श्री चित्र है, अब इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, क्यों, क्योंकि एक तो ये बीजापुर में आपको मिल जाता है, और उसके अलावा आपको किस में मिलता है बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में, किस में मिल जाता है, तो गोलकुंडा में मिल जाता है, लेकिन उसका नाम थोड़ा सा अलग है, ठीक है, गोलकुंडा, ठीक है, गोलकुंडा में, यहीं पर मैं लिख देती हूँ जिससे कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कौन सा किस में है। तो रागनी श्री राग किस में हो जाएगा, वो आपका बीजापुर में हो जाएगा, और जो गोलकुंडा वाला कौन सा है, रागनी मधु माधवी, मैं लिखती हूँ रागनी, ठीक है, मधु मधु माधवी माधवी, ठीक है। तो रागनी मधु माधवी किसका हो जाएगा, गोलकुंडा का हो जाएगा, और जबकि रागनी श्री राग किसका हो जाएगा, बीजापुर का हो जाएगा, ठीक है। तो बीजापुर में कौन से हो जाएंगे, श्री राग, और यहाँ गोलकुंडा में कौन से हो जाएंगे, रागनी मधु माधवी हो जाएंगे, ठीक है। तो दोनों ही चित्र आपको यहीं पर याद कर लेने जिससे कि आप वहाँ पर कन्फ्यूज ना हो, एक मिनट, ओके। आगे हम देखते हैं यहाँ पर बीजापुर चित्रों की विशेषता देखते हैं, बीजापुर चित्रों की क्या क्या विशेषता है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखनी है। तो देखिए यहाँ पर आपको इतना याद रखना है कि यहाँ पर जो चित्रों में चेहरे हैं वो कैसे चमकदार, और पृष्ठभूमि कैसी बनाई गई, हरी तान वाली बनाई गई, चमकदार चेहरे और हरी तान वाली पृष्ठभूमि यहाँ पर आपको मिल जाती है, हरी तान वाली पृष्ठभूमि आपको मिल जाती है। कहाँ पर, बीजापुर चित्रों की विशेषता की हम बात करें, जो अग्रभूमि में दक्षिण भारतीय कालीन सदृश फूलों की बिछावट की गई है, ठीक है। अगला पॉइंट, बीजापुर के महत्वपूर्ण तथ्य, अब अलग से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे, कुछ छोड़ने वाले नहीं हम लोग, सब कुछ अलग तथ्य भी देखेंगे, चित्र भी देखेंगे, चित्रों की विशेषता भी देखेंगे, और फिर ओवरऑल जो आपकी मतलब जो आपकी क्या कह सकते हैं दक्षिणी शैली है, ओवरऑल भी देखेंगे, ओवरऑल मतलब जब सेकंड आपका सेकंड क्लास हो जाएगी, यानी गोलकुंडा जब अहमदनगर पढ़ाएंगे तो उसके बाद हम लोग पूरा ये भी देखेंगे कि ओवरऑल क्या विशेषता है किसकी, दक्षिणी शैली की, ठीक है। तो यहाँ पर गोल गुंबज बीजापुर में मिलता है, बीजापुर का गोल गुंबज आपको पता होगा, पूछा जाता है गोल गुंबज जो है कहाँ है, तो बीजापुर का गोल गुंबज का गुंबज बोले या गुंबद बोले, दोनों लिखा मिलता है, गुंबद बोले या गुंबज बोले, कंफ्यूज ना होइएगा कि ये अलग अलग तो नहीं है, बिल्कुल ये अलग नहीं है, ये एक ही है। तो गोल गुंबज पूछा जाए या गोल गुंबद पूछा जाए तो ये कहाँ है, बीजापुर में है, और बीजापुर कहाँ है तो ये कर्नाटका, राइट। मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा भी, ये जो गोल गुंबज है ये किसका मकबरा है, मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, ठीक है, ये किसका मकबरा है, मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, और इसे स्वयं मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया। पूछा जाएगा कि गोल गुंबज जो है वो किसका मकबरा है, तो आपको याद रखना है मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, और इसे स्वयं जो है किसने बनवाया था, मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था, ठीक है। तो मोहम्मद आदिल शाह ने इसे खुद बनवाया था, ठीक है, यानी कि मरने से पहले ही बनवा के गए होंगे, जाहिर सी बात है, ओके। ये आपको गोल गुंबज का चित्र है, आप देख सकते हैं इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। तो ये आपको कहाँ मिल जाएगा, बीजापुर में, और बीजापुर कहाँ मिलेगा, कर्नाटका में, राइट।
इसके अलावा कोई याद रखना, तुझके जहांगीरी में उल्लेख है कि जहांगीर ने इब्राहिम आदिल शाह, अभी मैंने बताया था इब्राहिम आदिल शाह के बारे में बताया था, तो इब्राहिम आदिल शाह जो द्वितीय था, ठीक है, के पास एक छवि बनवाकर भेजी थी। यानी जहांगीर ने इब्राहिम आदिल शाह के पास एक छवि, छवि आपको पता है किसको बोलते हैं, छवि बताइए जल्दी से, जो आपकी किसको बोलेंगे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। छवि बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई बहुत, जिसे बोलते हैं व्यक्ति चित्र, ठीक है, चलिए मैं बता देती हूँ, व्यक्ति चित्र, ठीक है, छवि किसे बोलेंगे, व्यक्ति चित्र। तो तुझके जहांगीर में किसमें उल्लेख है, तुझके जहांगीर में ये उल्लेख है कि जहांगीर ने इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को के पास एक क्या है, छवि बनवाकर भेजी थी, ठीक है, क्लियर। आगे हम देखते हैं बीजापुर शैली पर मोहम्मद आदिल शाह के समय में यूरोपियन प्रभाव पड़ने लगा था, ठीक है, यानी कि मोहम्मद आदिल शाह जब थे तो उसमें क्या है, बीजापुर में क्या है, यूरोपियन प्रभाव आने लगा था, ठीक है। आगे देखते हैं जो असर महल या आसर महल या अशार महल, ठीक है, कई नाम मतलब अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से नाम दिए होते हैं, ठीक है, तो असर महल बोले या आसर महल बोले या आशार महल बोले, ठीक है, हालांकि नाम ये आपका है असर महल है, ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको लिखा मिलता है इंग्लिश में, ठीक है, असर महल, ठीक है, आसर महल या आसार महल, इस तरीके नाम लिखा मिले तो आप समझ जाइएगा। इसकी सजावट के लिए, ठीक है, मोहम्मद आदिल शाह ने इटालियन भित्ति चित्रकार को बुलाया था, ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप असर महल में देख सकते हैं, आप वहाँ पर भी कलाकृतियाँ वगैरह देख सकते हैं, जिसको क्या है, किसने मतलब उसकी चित्रकारी करवाई थी, मोहम्मद आदिल शाह ने इटालियन भित्ति चित्रकार को बुलाया था, क्यों, क्योंकि उसकी जो है भित्ति वगैरह को सजावट करने के लिए, उसको सजाने के लिए, उसको मतलब थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए, तो किसने बुलाया था, किसको बुलाया था, मोहम्मद आदिल शाह ने बुलाया था, किसको बुलाया था, इटालियन भित्ति चित्रकार को बुलाया था, ठीक है, क्लियर, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं आदिल शाही शासकों के समय में बीजापुर का, यानी कि इस टाइम में बीजापुर शैली में आपको और चीज़ें, देखिए चित्रकारी तो था ही था, लेकिन यहाँ पर स्थापत्य कला का भी बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं रुतबा था, स्थापत्य कला की भी बहुत ज़्यादा विकास हुआ, तो यहाँ पर इब्राहिम का रोज़ा मिल जाता है, ठीक है, इब्राहिम का रोज़ा मिल जाता है, सत मंजिला महल आपको मिल जाता है, मेहतर महल या मेहता महल, ठीक है, दोनों याद रखिएगा, मेहतर महल कहें या मेहता महल कहें, तो यहाँ पर आपको ये इमारतें आपको मिल जाती हैं, और इसके अलावा जो असर महल है ये तो है ही है, तो असर महल, इब्राहिम का रोज़ा, सत मंजिला महल या मेहतर महल, ठीक है, मेहता महल, ठीक है, ये जो सत मंजिला महल पहले 7 मंजिल का था, ठीक है, पहले ये 7 मंजिल का था, लेकिन अब क्या है, ये 5 ही मंजिल का बचा हुआ है, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि 7 मंजिला महल पहले 7 मंजिल का कहा जाता था कि 7 मंजिल का था, लेकिन प्रेजेंट टाइम की अगर बात करें तो ये 5 ही मंजिल लगभग बचा हुआ है, ओके, तो ये आपको स्थापत्य में चीज़ें बीजापुर से रिलेटेड आपको समझ में आ गई होंगी। आगे आपको अहमदनगर है, ठीक है, तो अहमदनगर हम लोग क्या है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो चीज़ें आपको कैसे समझ में आई, यानी कि चीज़ें आपको कैसी लगी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। आगे की क्लास में हम लोग अहमदनगर, गोलकुंडा वगैरह पढ़ेंगे वन बाय, हाँ, फिर इसके बाद जो दक्षिणी शैली कंप्लीट जब हो जाएगी तब आपको इसके बाद ईरानी शैली पढ़ेंगे, फिर मुगल शैली, क्योंकि काफ़ी कमेंट मुगल शैली और राजस्थानी शैली पर काफ़ी लोग मतलब कमेंट कर रहे हैं कि मैं बना दी, तो सबसे पहले देखिए लाइन वाइज सीरियल वाइज चलेंगे तो चीज़ें अच्छी रहती है ना, तो दक्षिणी शैली की कंप्लीट होने के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे ईरानी शैली, फिर मुगल शैली, फिर राजस्थानी शैली पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए सभी को क्या कहते हैं, क्या मैं बोलने जा रही थी, हाँ, सभी लोग अच्छे से यहाँ पर पढ़ते रहिएगा, सारी चीज़ें रिवीजन करते रहिएगा, तो सभी को जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।